सूजी का क्रिस्पी नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी सूजी ले ली है। आप कोई भी कटोरी या फिर कप का यूज़ कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। और एक कटोरी ही हमने आटा ले लिया है, ये गेहूं का आटा है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे नाश्ते का टेस्ट बढ़ाने के लिए, और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हो। और 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद तिल ऐड करेंगे जो इस नाश्ते को क्रंचीनेस देगा। और साथ में हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा फ्रेंड्स। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे सूखे मसाले को आटे में, तो बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनता है फ्रेंड्स। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे मोइन के लिए 1 टेबल स्पून, ये मोन का काम करेगा हमारे नाश्ते में। और हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेंगे कटोरी में, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे नाश्ता बनाते वक्त। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो ही लगाना है, क्योंकि सूजी फूलने के बाद और ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसलिए इसका एक सॉफ्ट डो ही बना के तैयार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो मैं आपको उंगलियों से दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। बिल्कुल इसी तरीके का आपको सॉफ्ट डो लगाना है, क्योंकि अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इससे जो हमारी सूजी वो अच्छी फूल भी जाएगी और अच्छी सेट हो जाएगी। जब तक हमारा सूजी का डो सेट हो रहा है, तब तक हम आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, जिसे हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसे मैश कर लिया है। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज ऐड करूँगी, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। मैं स्टफिंग में 1 हरी मिर्ची ऐड करूँगी। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हो। नमक ऐड करूंगी, नमक एज पर टेस्ट आप ऐड करें। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक बढ़िया सी आलू की स्टफिंग हमारी तैयार हो जाएगी। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हो घर में। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा कम कर दीजिए। ये हमारी आलू की मसालेदार चटपटी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो अब हम अपने सूजी के पाउडर को ले लेते हैं, जो हमने एक कटोरी में अलग कर लिया था। इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, क्योंकि सूजी भी फूलेगी यहाँ पे। तो इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, इससे हमारी स्लरी तैयार हो जाएगी 5 मिनट में फूल के। 10 मिनट हो चुका है, हमारी सूजी भी अच्छी फूल चुकी है। तो दोबारा इसे हम मसल लेते हैं और इसका एक पेड़ा बना लेते हैं। जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इस तरीके से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। तो हमने इसका पेड़ा बना लिया है और आटे से इसकी डस्टिंग कर ली है। तो अब हम इसे बेल लेते हैं रोटी की तरह। एक बड़ी सी रोटी हम इसकी गोल बना लेंगे, पतली सी रोटी हम इसे बेलेंगे। तो इसे हमने बड़ी रोटी की तरह बेल लिया है पतला। तो अब हम इसमें अपनी आलू की स्टफिंग को लगा लेते हैं। तो बहुत ही कुरकुरा नाश्ता हमारा ये बनके तैयार होगा, और खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है फ्रेंड्स। तो ये सारे आलू को हमने इवनली स्प्रेड कर दिया पूरी रोटी में। अब हम इसका एक रोल बना लेंगे। तो इसे टाइटली रोल करते जाएंगे इस तरीके से। अब हम इसके साइड्स को लॉक कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। इस तरीके से हम इसे पैक कर लेंगे और इसे रोल कर लेंगे, ताकि
तो रोल कर लिया इसे हम इस तरीके से, इसे पतला कर लिया है। तो अब हम एक चाकू ले लेते हैं और इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं इस तरीके से, पतले पतले स्लाइस कर लेंगे हम इसके। ये सारे नाश्ते के हमने पीस कर लिए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दो शेप बताऊंगी कि कैसे हम इसको दो शेप में अपने नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए, एक शेप को हम स्ट्रेट रख लेंगे इस तरीके से, लंबा कर लेंगे, और दूसरे में हम गोल शेप कर देंगे, इसको गोलाई शेप दे देंगे हाथों से प्रेस करके। तो आप इस नाश्ते को दो तरीके से बना सकते हैं, दो शेप। ये सारे नाश्ते को हमने शेप देके एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इस नाश्ते के पीसेस को ले लेते हैं और इसमें डिप करते जाते हैं अपनी स्लरी में, और ऑयल को भी हमने यहाँ पे गरम कर लिया है। इस तरीके से हम इसे ऐड करते जाएंगे। तो अब हम इन्हें गैस की फ्लेम मीडियम करके इन्हें फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो एक साइड से ये हमारे अच्छे फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे दूसरी साइड से फ्लिप कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए। इन्हें हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। जो जो नाश्ता हमारा अच्छा क्रिस्पी होता जा रहा है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, और देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है हमारे नाश्ते में, एकदम गोल्डन कलर आ चुका है और अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं हमारे नाश्ते। तो अब हम इन्हें प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा सूजी का टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नाश्ता ये बना है। तो जब मन करे आप इसे तब बना सकते हैं, ये बहुत ही कुरकुरा बनता है और ये ऑयल भी एब्जॉर्ब कम करता है। तो बाजार के नाश्ते तो हम बहुत खाते हैं, तो क्यों ना हम इसे आज घर पे बना के देखें। बाजार जैसा ही टेस्ट आएगा आपको समोसे कचौड़ी की तरह।